चलिए बच्चों, जीएसटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज 4000। तो शॉपकीपर में, चलो यहां बताता हूं आप लोगों को। इस शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस 4000 फ्रॉम ए होलसेलर। होलसेलर से खरीदा, किसने खरीदा? शॉपकीपर ने खरीदा, और प्रिंटेड प्राइस जो था वो 4000 था, एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। बस होलसेलर ने इसको डिस्काउंट दिया। तो अगर हम देखें तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो गया यहां से बच्चों, डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर ले। तो 4000 का 20% डिस्काउंट दिया है उसने, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 800। तो 800 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो इसका मतलब होलसेलर ने जो सेल किया, होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस वो बच्चों कितना हो गया, वो हो गया 3200, क्योंकि 800 डिस्काउंट कर दिया 4000 पे ना उसने। यानी शॉपकीपर ने इसको कितने दिए होंगे बच्चों, इसको दिए होंगे 3200 दिए होंगे। आगे पढ़ते हैं। एंड सेल्स इट टू ए कंज्यूमर, फिर शॉपकीपर ने एक कंज्यूमर को बेच दिया, तो कंज्यूमर ने कुछ पैसे इसको दिए होंगे। एट द प्रिंटेड प्राइस, कितने का बेच दिया, जो प्रिंटेड प्राइस था, प्रिंटेड प्राइस कितना था, 4000, यानी 4000 का बेच दिया। सेल्स आर इंटरेस्टेड, जीएसटी रेट इज 12%। तो पहले हम लोग अपना काम कर लेते हैं, यानी कि 6%, 12% है ना, कितना है 12%, और इंटरेस्टेड है, यानी दो तरह के टैक्स पड़ जाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, 6-6%। ये हाफ हो जाएगा जो 12% है। क्यों हाफ हो जाएगा, गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे हैं, उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। चलिए, तो यहां से सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे और एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जरा कितना है, 6% ना, तो 3200 का 6% हम लोग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 192 आना चाहिए। हाँ, 192 आया, तो ये आ गया 192। ये भी इतना ही आएगा 192। फिर 4000 पे 6% निकालेंगे, तो अब की बारी आएगा इतना 240, और ये कितना आएगा 240। इतना इतना आया। अभी सवाल में क्या पूछा है, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, हम जितना कर सकते हैं मैं कर दे रहा हूँ। अब इसमें फिर पूछता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना देता हूँ, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पहला वाला होता है उससे तो पूरा पूरा टैक्स आ जाता है, केवल सीजीएसटी आएंगे, यानी 192 पूरा आ गया। जो लास्ट होता है उससे कितना अमाउंट आता है, उससे आता है 0, और जो बीच वाला होता है उससे अमाउंट आता है आउटपुट माइनस इनपुट। बीच में अगर दो स्टेजेस होती है तो उससे भी आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट यानी कि कितना उसके पास आया था, कितना आया 240, इनपुट मतलब दिया कितना 192, तो 240 माइनस 192, यानी इसने कितने रुपीज दिए, 48 दिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा कितना आया, 192 प्लस 48 आ गया। अगला देखते हैं, इसे पूछता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना अमाउंट आया। तो जो पहला वाला होता है वो पूरा पूरा अमाउंट दे देता है अपना, यानी वो पूरा 192 दे देगा। लास्ट वाला 0 देता है, यानी 0 हो जाएगा, और जो मिड वाला होता है वैसे आउटपुट माइनस इनपुट करेगा, तो फिर से 48 आएगा, यानी मिडिल वाले से कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 192 प्लस 48 प्लस 0 एसजी का भी। ये दोनों बराबर इसलिए आ जाते हैं हर सवाल में आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है ना वो 6-6% आधा आधा डिवाइड हो गया, तो फिर हर जगह वो उतना ही उतना अमाउंट आ रहा है, हर जगह उतना ही उतना अमाउंट आएगा, तो फाइनल आंसर भी उतना आएगा। बच्चों अब मैं तुम्हें बताऊँ, इस डायग्राम में तुम्हारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया, जितना वो कुछ पूछ सकता है। देखो पहला क्या आया था, टैक्स रिसीव बाई एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट बाई शॉपकीपर, शॉपकीपर से कितना टैक्स आया, किसको, एसजी को, तो शॉपकीपर से कितना आया, 48 आया, हो गया। दूसरा क्या पूछा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे टोटल अमाउंट कितना आया, तो 192 यहां से, 48 यहां से, 0 यहां से, हो गया। अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना दिया, ये कंज्यूमर है ना, तो कंज्यूमर ने किसको पैसा दिया, वो गवर्नमेंट को तो देता नहीं है, वो तो देगा दुकानदार को, तो दुकानदार को कितना पैसा दिया, 4000 प्लस 240 प्लस 240, देखो थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा, है ना। अच्छा एक और रह गया, ये फर्स्ट वाला रह गया, द प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी एट विच शॉपकीपर बॉट इट, शॉपकीपर ने कितने का खरीदा, तो शॉप और इंक्लूसिव जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड करके, तो शॉपकीपर ने किससे खरीदा है, होलसेलर से, तो होलसेलर से खरीदा, 3200 दिया प्लस 192 प्लस 192 ये भी दिया,
देखो टोटल सवाल इस डायग्राम के अंदर मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये डायग्राम अगर हो गया वहाँ पूरा सवाल हो जाएगा। अब अगर तुम लैंग्वेज वाइज इसको लिखना चाहते हो तो देखो कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए जरा। पहला पूछ रहा था प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी एट विच शॉपकीपर बॉट इट, तो सबसे पहले कैलकुलेशन में जीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना कितना होगा। आप लिखेंगे ऐसे सीजीएसटी रिसीव्ड बाई होलसेलर, बाई होलसेलर, वो आप पूरा लिख लीजिएगा होलसेलर, कितना 3200 का 6% इंटू 6/100 कितना हो गया बच्चों 192 हो गया, या यहीं लिख देता हूँ 192 हो गया, ठीक है। उसके बाद में एसजीएसटी रिसीव्ड बाई होलसेलर, वो भी कितना आएगा 192 आएगा। जितनी चीज़ें आपने यहाँ कैलकुलेट करी है ना बस वो लैंग्वेज वाइज लिख देनी है और कुछ नहीं करना है। और देखो अभी आप ध्यान से यहाँ पे सी जी एस टी रिसीव्ड बाई शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ने कितना किया 240 किया है ना, और एस जी एस टी रिसीव्ड बाई शॉपकीपर कितना है 240 है, तो वही सारी बातें लिखते चले जाओ। और हमने क्या कैलकुलेट किया है, और हमने कैलकुलेट कर रखा है कि ये 48 हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है शॉपकीपर ने। चलिए अब यहाँ देखते हैं द प्राइस, पहला द प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी एट विच शॉपकीपर बॉट इट, तो पहले पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कि शॉपकीपर का टोटल जो प्राइस पड़ेगा, टोटल प्राइस शॉपकीपर को जो पड़ेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, उसको कितना कॉस्ट नहीं सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जितना उसने दिया। तो सेलिंग प्राइस उसने कितना दिया था, उसको सेलिंग प्राइस कितना पड़ा था 3200 जितने का उसको होलसेलर ने सेल किया, तो वो प्राइस कितना था बच्चों, वो प्राइस था हमारे पास 3200 प्लस सीजीएसटी उसने कितना दिया 192 और फिर 192, तो 192 प्लस 192 इनको ऐड कर दीजिए, ये पहले पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा, ये सी है और ये हमारा शॉपकीपर एस था, ठीक है। सेकंड टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर, तो वो तो हम लोग ने यही निकाल रखा है शॉपकीपर से, ये वाला है ये निकाल रखे ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने, तो यही आंसर हो गया हमारा सीधे सीधे यहीं पर। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब यहां पर हो जाएगा देखो थर्ड पार्ट यहां बता रहा हूं, टोटल अमाउंट तीन अमाउंट उसमें जुड़ेंगे, पहला अमाउंट होगा क्या सीजीएसटी बाय होलसेलर, जो होलसेलर देगा प्लस सीजीएसटी बाय शॉपकीपर, जो शॉपकीपर देगा, और हम कितना देंगे जीरो, तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, तो इसने कितना दिया है 192 और इसने कितना दिया है 48, इनको ऐड कर दीजिएगा तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो फोर्थ पार्ट यहां बता दे रहा हूं, तो कंज्यूमर कितना देगा, तो कंज्यूमर कितना देगा भाई, कंज्यूमर देगा उसको जितने का प्राइस पड़ा, प्राइस कितने का पड़ा 4000 का, प्लस उसने जो सीजीएसटी दिया और प्लस उसने जो एसजीएसटी दिया। अब प्राइस कितना पड़ा 4000 और सीजीएसटी कितना दिया 240 और एसजीएसटी कितना दिया 240, इनको ऐड कर दीजिए आंसर मिल जाएगा। तो इस ये डायग्राम बना लोगे ना तो सारे आंसर इसके अंदर छुपे हुए हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बड़े बड़े सवाल होते हैं, इसलिए आराम से करिए, इसी सवाल को दो बार करिएगा, वीडियो पॉज करिए समझिए फिर बढ़ाइए फिर पॉज करिए बढ़िए समझिए तब आएगा, इतना आसान नहीं है जीएसटी, और जीएसटी बहुत टाइम से है भी नहीं, एक आध साल से आपके सिलेबस में ऐड हुआ है सीएससी में ये। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मुझे मैं अपना नंबर भी आपको दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी अपनी प्रॉब्लम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।